तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन शुरुआत करते हैं। आज 27 जनवरी और ऑफिस जाएंगे, सैटरडे है। आज थोड़े जल्दी फ्री होकर निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम को एक पार्टी में जाना है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी बस रेडी होते हैं, ऑफिस निकलते हैं, ऑफिस से जल्दी जल्दी फ्री होते हैं, फिर पार्टी के लिए तैयार होकर निकलेंगे। भाई ऑफिस के लिए रेडी हो गए, बस निकलने वाले। देखो कान नाक आग गला सब ढक लिया है। अरे ठंड कम हो गई है, धूप आ गई है, पर फिर भी हम चाहते नहीं है कि हमारी कोई तबीयत खराब हो, कोई मौका नहीं देना चाहते। और एक और बार नहीं मैं डाकू। तो भाई ऑफिस पहुंच गए, अब काम शुरू करेंगे। काम तो हमारा सुबह से शुरू हो जाता है, बट फिर भी आज जल्दी फ्री होकर जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि शाम को ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका है मेरे को पार्टी में जाना है। ठीक है, जय श्री राम। भाई हमने मंगवाए थे अपने संदीप भाई से ये पम्पकिन सीड, चिया सीड, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, सुबह खाने के लिए हेल्दी होते हैं। तो गलती से दो आ गए हैं। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इनमें से दोनों में से कौन सा भारी है, वाला रख लूँ और एक वापस कर दूँ। अबे साले बताओ यार कमेंट में कौन सा भाई को, तो ये वाला लग रहा भरा हुआ। ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला रख लूँ। ठीक है, तो भाई घर आ गया हूँ उस। और एक चीज़ के लिए सॉरी यार, दिन में मेरे को ना आदत नहीं है, इसलिए मैं भूल भी गया, मेरे को आदत डालनी पड़ेगी। लंच करने गए थे, मैं ब्लॉग बनाना भूल गया, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट था जबकि बाहर ब्लॉग बनाना भूल गया। आऊँ घर आ गया, हम चाय बनाएंगे, चाय बना के आपको दिखाता हूँ चाय कैसे बनाता हूँ मैं। खाएंगे देसी डाइट पंजीरी, देसी घी की बनी मम्मी के हाथ की। इसे गर्म करते हैं चाय के साथ, फिर खाते हैं। थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। वैसे तो एक गिलास दूध तो एक गिलास पानी डालते हैं, बट मेरे को ज़्यादा दूध की चाय पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा दूध और थोड़ा पानी डालता हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो चक्कर में थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने दूध और पानी। दो कप बन सकते हैं, या तो मैं एक कप ही बना था, मम्मी ने पीछे से बोल दिया मेरे लिए एक कप बना दिया, मैं चाय तो अच्छी बनाता हूँ। डालेंगे चाय पत्ती, मुझे थोड़ी काली पसंद है चाय, तो मैं थोड़ी ज़्यादा चाय पत्ती डालता हूँ, कम भी डाल सकते हो। डालेंगे दो कप चाय, तो दो चम्मच चीनी। ठीक है, ठंड में तो अदरक वाली चाय पीते हैं, इसलिए थोड़ा अदरक डाला है, अदरक पीस के डालता हूँ चाय में। आप लोग क्या कैसी पीते हैं बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो अदरक वाली पसंद है। और कोई कोई तो मेरा मन करता है मैं अदरक इलायची मिक्स करके डाल देता हूँ। अदरक कूट लेते हैं चाय में डालने के लिए, अदरक डाल दिया चाय में। अरे गैस नहीं जल्दी गया, अबे यार रुको भाई से चला दो। तुम्हारा भाई बिल्कुल रियलिटी दिखाता है, ये नहीं कि गैस चला के पहले जला रहे साहब, नहीं चले तो नहीं चली, तब रियलिटी। थोड़ा चाय दो तीन उबाल आन दो, कड़क चाय हो जाए फिर निकालेंगे। इतनी देर हम क्या करते हैं पंजीरी गर्म कर लेते हैं। डाल दी भाई, उसको चला देते हैं। एक दो ये, अरे हो जा स्टार्ट। और बताओ गाइस क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में भाई बता दे करो। तुम्हारा भाई तो ऐसे ही है, मजे करता रहता है, चाय कॉफी वगैरह सब पीता रहता है, बनाता रहता है। एंगल ठीक नहीं है, ट्राईपॉड लेने की सोच रहा हूँ, बताओ ट्राईपॉड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट तो मैं हुई। देखते चाय का अपडेट चल रहा है, ये चाय का अपडेट चल रहा है, देखना पड़ेगा। अदरक ज़्यादा तो डाल दी कि फटाफट ना जाए, मुझसे तो जाते ना चाय वैसे फट जाती है, क्योंकि मैं ध्यान देता नहीं हूँ, अदरक ज़्यादा डाल देता हूँ, हिसाब से नहीं डालता। पर अगर बन जाती है तो इतनी तगड़ी चाय बनती है, क्या बताऊँ मैं आपको। आओ कोई भाई हमारे घर चाय पीने, सब लोग जो जो हमारे व्यूअर्स हैं। चाय को ना भाई मेरा चाय अच्छी इसलिए बनती है क्योंकि मैं चाय को ना ऐसे खुलाता रहता हूँ और इसे थोड़ा गलती से हिलाता रहता हूँ, इससे कि ज़्यादा पकती है वो। तो आप भी ट्राई करना, बताना ऐसा क्या होता है नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, लोगों को मेरी चाय पसंद भी आती है, इसलिए जैसी उबाल आए तो इसे ऐसे खुला दो। ठीक है, उबाल आ गया है, इसको ऐसे खुलाते रहो, पीछे टूटू की आवाज़ आ रही होगी आपको, इसका मतलब कि मेरी पंजीरी गर्म हो गई है। इसको थोड़ी देर ऐसे ऐसे खुलाएंगे, फिर इसको दोबारा गैस को तेज कर देंगे ताकि पक जाए पूरी अच्छे तरीके से चाय। देख सकते हो कितनी काली चाय बनी है, क्योंकि तुम्हारे भाई को पसंद है काली चाय।
अरे चाय मैं बना लूँगा, कोई साथ निभाने वाली मिल जाए चाय तो मैं बना दूंगा उसके लिए। कोई साथ निभाने वाली मिल जाए यार, शॉपिंग भी करके दे दूंगा, कोई खाना बनाने वाला मिल जाए। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आज मालो। तो भाई चाय बन गई, चाय डाल दो। तो तुम्हारा भाई दिख नहीं रहा होगा, पता है तुम देखना चाहते हो, रुक जाओ बस 2 मिनट का सफर करो, तुम्हारा भाई दिखेगा तुम्हें यार। सफर का फल अच्छा होता है, मीठा बोलना बेकार है, अच्छा होता है। मैंने चाय डाल दी है भाई, चाय और साथ में करूँगा ना पंजीरी। खाते फिर आपको शाम को दिखाते, तैयार व्यार होंगे अभी हम, मैं मेरा भाई जाएंगे पार्टी में, फिर दिखाएंगे। जैसे कि आपको बताया था, मैं मेरा भाई आ रहे थे पार्टी में, तो मैंने घर वालों को लेकर दिए थे पिज्ज़ा ऑर्डर। ये रहे 4 पिज्ज़ा हैं इसमें, पिज्ज़ा हट से पहले तो पिज्ज़ा खा लेंगे हम, तो शादी में पार्टी में जा रहे हैं, जहाँ पे शादी में नहीं पार्टी में एनिवर्सरी की, हम कुछ भी खा लेंगे, घर वाले खा लेंगे, इसलिए घर वाले मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑफर भी था तो मैंने इसलिए और ज़्यादा ऑर्डर कर दिए। सास चढ़ गई चिड़ी चढ़ते चढ़ते, ये सूट पहनेगा, तैयार होगा फिर दिखाया तुम्हें। तो भाई तुम्हारा भाई रेडी हो गया है, फुल कोट पैंट पहन के, शूज वूज पहन के, सेक्सी लग रहा है यूजुअल। और भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, निकल गए हैं वैसे पहले तुम्हारे भाई को, 2-3 बंदों ने अच्छे अच्छे कमेंट पास कर दिए, एकदम जेन्युइन लग रहा है, ट्यूशन लग रहा है। ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आएगा फिर निकलते हैं। गजब बेइज्जती है। ग्रेट सक्सेस। स्टेशन में पहुंच गए, जैसे आप पीछे देख सकते हो, तो अभी सब क्या होता है, यूनियन हुआ है हम सब बंदों का 9 साल बाद, सारे दोस्त यार मिले हैं अंदर, सॉन्ग वॉन्ग चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल तो अभी यही है, अंदर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। दिखा था तुम, देखो मैं जितना दिखा सकता हूँ बिना सॉन्ग्स के आपको दिखाऊँगा, ठीक है। बाय। तो भाई यहाँ से बस फ्री होने वाले, खाना वाना खा लिया, बस निकलते हैं यहाँ से। लोल हो गया हमारे साथ, लास्ट टिकट काउंटर पे, वैसे तो टिकट काउंटर क्लोज थे, दूसरी बार लास्ट ट्रेन जा रही थी 11 बजे, जो कि निकल चुकी है, तो हम कैब कर रहे हैं। और पहली बार आपको बता दूँ मैं कैब से क्यों नहीं आया था, मेट्रो से क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ना कैब से आने का फ़ायदा था ना अपनी गाड़ी आने का फ़ायदा था, इसलिए हमने सोचा मेट्रो से, क्योंकि जहाँ मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हमें उतरना था ना जिल मिल, उसके नीचे ही बैंकट हॉल था, इसलिए हम मेट्रो से आए थे। अब देखते हैं रोड क्रॉस करके, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं, वहाँ से कैब पकड़ेंगे फिर घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के आपको दिखाते हैं। बाय। अभी हमारे उस कैब में बैठते हैं फिर निकलते हैं।